छत्तीसगढ़ में बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए बुद्राम सारंग की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। रायपुर के गुढ़ियारी स्थित सारंग बंधु की छोटी सी व्यायाम शाला में इन दिनों सुबह 5 बजे से खटपट की आवाज गूंजने लगती है, जहां बच्चों को वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां 3 सत्रों में 50 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें कई लड़कियां भी हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए अजयदीप सारंग ने कहा कि वर्तमान में पेरिस ओलंपिक गेम चल रहा है। उन्होंने भी 2012 से 3 बार अलग अलग सत्रों में ओलंपिक में जाने का प्रयास किया, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते ओलंपिक में नहीं पहुंच पाए। छत्तीसगढ़ के एक भी खिलाड़ी 2016 के बाद ओलंपिक में नहीं पहुंचे। इसी को लेकर लगातार बच्चों को नशे की लत से दूर रखने और यहां से बच्चे अंतरराष्ट्रीय, नेशनल और ओलंपिक में पहुंचे, इसको लेकर लगातार सुबह 5 बजे से 3 अलग अलग समय में वेट लिफ्टिंग की निःशुल्क ट्रेनिंग करवाई जाती है। छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, नशे की लत में युवा लगातार शिकार होते जा रहे हैं। इसी नशे से दूर रखने के लिए युवाओं के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। पहल की है रायपुर के गुढ़ियारी में, यह जगह है, देख सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग की ओर लगातार युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि उनके शरीर मजबूत रहें। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 15 साल से लेकर 18 और 18 से 25 और 25 साल से 40 साल तक के युवा इसमें आए हैं। कई युवा ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खेल की ओर बढ़े हैं, जिसमें नेशनल भी कई वेट लिफ्टिंग को खेल चुके हैं। हमारे साथ हैं सारंग जी, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, लगातार युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए इस प्रकार की जो खेल है, जो वेट लिफ्टिंग है, उसकी शुरुआत की गई, मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या उद्देश्य था इसको शुरू करने? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो मेरे पिताजी का जो उद्देश्य था इस वेट लिफ्टिंग सेंटर को चालू करने का, वो ये था कि जो मोहल्ले के आसपास के जो बच्चे थे, युवा वर्ग थे, वो कहीं ना कहीं नशा और गलत संगतियों में ज़्यादा वो अग्रसित हो रहे थे, तो उनके प्रति खेल को रुचि बढ़ाने के लिए इस व्यायामशाला को 2002 में खोला गया। और चूँकि ये मोहल्ला काफ़ी पिछड़ा और गरीब स्तर के लोग ज़्यादा रहते हैं, मजदूर स्तर के लोग रहते थे, इसलिए यहाँ पर निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता था, और आज भी उसको निरंतर हम निशुल्क ही प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उसके फलस्वरूप आज 22 सालों में हमारे इस व्यायामशाला से 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मतलब ओलंपिक छोड़ के सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमने देश का प्रतिनिधित्व किया। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ नितिन नामदेव, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बाय। यहाँ हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है, हमारे तीनों कोच जो हैं, अजयदीप सारंग, रुस्तम सारंग, जो उधाम सारंग जी हैं, हमारे तीनों कोच हम लोग को अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, हमें निःशुल्क ट्रेनिंग मिल जाता है। हमारे खेल के प्रति जो भी रहता है उसमें हमारे कोच लोग बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। हमारे स्टेट से, मतलब जिला से स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक इंटरनेशनल की तैयारी कराते हैं, जिससे हम अभी मैं अभी तक लगातार नेशनल में 5-6 मेडल जीत चुका हूँ, जो हमारे कोच के बल पे हैं। कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है, पूरी रायपुर की स्टूडेंट्स यहाँ आके ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ की जो ओपनिंग जिन्होंने ये किया है वो हमारे जो सर है, कोचेस, उनके फादर ने ये ओपनिंग की है, और सभी स्टूडेंट्स यहाँ के मतलब रायपुर के या फिर और भी दूर के स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करते हैं,